को भीकन गांव पुलिस को एक सप्ताह के अंदर ही दूसरी बड़ी सफलता मिली है। खरगोन जिले की भीकन गांव पुलिस ने एक सिलीगर को 12 देसी पिस्टल के साथ पकड़ा है। एडिशनल एसपी जितेंद्र सिंह पवार ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर एक मुहिम चल रही है, जिसमें माफिया और अवैध हथियार तस्करी करने वालों के विरुद्ध विशेष कार्यवाही की जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत सूचना मिली कि एक व्यक्ति खेतों के रास्ते पैदल बड़ी मात्रा में अवैध पिस्टल लेकर सप्लाई करने जा रहा है। छिपकर इंतजार करने के बाद सिगनूर निवासी गुरुचरण सिंह पिता सरदार सिंह सिकलीकर को 12 देसी पिस्टल के साथ पकड़ा। श्री पवार ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि लंबे समय से अवैध पिस्टल बनाकर अवैध रूप से बेचने का कार्य कर रहा है। आरोपी से पूछताछ चल रही है और पता लगाया जा रहा है कि 12 पिस्टल कहां और किसे सप्लाई करने जा रहा था। तो वहीं 12 देसी पिस्टल का बाजार मूल्य लगभग 1,80,000 रुपये बताया जा रहा है। आरोपी पर 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर अभी एक वृहद मुहिम चल रही है, जिसमें माफियाओं के विरुद्ध और हथियारों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध जो है विशेष कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत हमारा जो मैन पावर है हमने टोटल उसको जो है उसमें लगा रखा है। इस कार्रवाई के अभियान के अंतर्गत थाना भीकन गांव में हमारे को जब ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है वो बड़ी मात्रा में पिस्टल लेकर के सप्लाई करने के लिए जा रहा है, ऐसी स्थिति में हमने हमारे फोर्स के जवानों को जो है रास्ते में लगाया और चुप कर जब इंतज़ार किया तो सिगनूर निवासी गुरचरण सिंह पिता सरदार सिंह को एक झोले में 19 पिस्टलों के साथ लेते हुए जाते हुए पकड़ा गया। 12 पिस्टल है और इसमें जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वो काफ़ी दिनों से ऐसा मैन्युफैक्चरिंग करके और अवैध रूप से बेचने का कार्य कर रहा है। तो ये 12 पिस्टल बरामद हुए हैं और इसमें हम ये भी इस संबंध में ज्ञात कर रहे हैं कि ये पिस्टल कहाँ कहाँ और किस किस को सप्लाई किए जाने थे। कितनी कीमत अनुमानित बताई गई सर? अनुमानित 1,80,000 की कीमत ये दुर्व्यापार है इसके तहत। पुलिस सर लगातार ये अवैध पिस्टल और सिंगून से पकड़ने का काम आ रहा है, क्या आपने इनको मुख्य धारा में लाने के लिए कोई प्रयास किए हैं क्या अभी तक? मुख्य धारा में लाने के लिए जो है विभिन्न विभागों के समेकित प्रयास की आवश्यकता है और पुलिस का जो मेन जॉब वर्क है वो क्राइम कंट्रोल है, क्राइम प्रिवेंशन अवश्य है, लेकिन क्राइम प्रिवेंशन के लिए इनके लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके ही कुछ किया जा सकता है।